क्या है? वाक्य क्या है? तो शब्दों के साथ है केवल व्यवस्थित स्वरूप हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य कितने अंग है? दो अंग है। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, और जिसके बारे में जो बातें कही जाती है वह विधेय कहलाता है। ठीक है। वाक्य प्रकार, वाक्य दो प्रकार है। वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है। ठीक है। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर पिछली क्लास में हमने रचना के आधार पर शब्द के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़े थे, जाने थे, जाना हम लोगों ने जाना था। ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार के तीन प्रकार हैं, सरल वाक्य, मिश्रवाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है। तो सरल वाक्य क्या है? तो जिस वाक्य वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राघव सो रहा है, इसमें एक राघव जो है जिसके बारे में बातें हो रही है वो राघव है, सो रहा है, उसके बाद जो बातें हो रही है वह एक है। ठीक है। दोनों एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है। संयुक्त वाक्य, तो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर सरल वाक्यों को संबंध समुच्च बोधक से जोड़कर बनाए गए वाक्यों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब दो सरल वाक्य मिलकर एक संयुक्त बोधक से जोड़कर, जैसे और, परंतु, किंतु, ये सब अथवा इन सबसे जोड़ के संयुक्त वाक्य बनाते हैं। जैसे प्रातः काल हुआ और वह उठ गया या मनोहर। ठीक है। प्रातः काल हुआ, मनोहर उठ गया, उसको और से और मनोहर किया,
में न होने या न कर पाने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, निषेध वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं चाय नहीं बना सकती, मतलब जो जिस वाक्य में उस काम को नहीं कर पाने का पता चलता है या किसी वजह से नहीं हो पाने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, निषेध वाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं चाय नहीं बना सकती, तो क्यों नहीं बना सकती है, हो सकता है मन नहीं होगा या मुझे चाय मुझे चाय बनानी नहीं आती। ठीक है, तो जो वजह है जिससे वह चाय नहीं बना सकती, किसी भी वजह से वह इस वाक्य में चाय मतलब चाय बनाने का काम नहीं होगा इस बात का। नहीं आता है वो क्वेश्चन, नहीं आता है वो, इसलिए मैं गीतकार नहीं कर सकती, मैं उनको नहीं बना सकती। ठीक है, तो यह इस वाक्य में भी किसी भी तरह से उस कार्य को नहीं कर पाने का पता चलता है। ठीक है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते, हो सकता है या जो व्यक्ति वहाँ बैठा है, जो मनुष्य वहाँ बैठा है, वह उससे बैठने देना नहीं चाहता, किसी भी हाल में वह बैठने के लिए उसे वहाँ सीट नहीं मिलेगी। इस वाक्य में वो कार किसी भी तरह से नहीं बैठने का काम नहीं होगा। ठीक है, तो जिन वाक्यों में किसी काम की न होने या न कर पाने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, निषेध वाचक। प्रश्न पूछा जाता है उसे
वाक्यों में हर्ष शोक घृणा अक्षर के भाव प्रकट होते हैं, उसको जब क्या कहते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने चार प्रकार घूमने पढ़ लिया आज, हमारा हो चुका है विधान।